रांची के रसलदार बाबा की मजार पर सालाना उर्स मेला चल रहा है और इस मेले में हर राजनीतिक दल से लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमे के अलावा आम लोगों की भीड़ दिन भर मजार शरीफ में दिख रही है। इसी कड़ी में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रसलदार बाबा के मजार पर पहुंचे और उन्होंने चादर पोशी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी परंपरा को निभाते हुए रसलदार बाबा के मजार पर पहुंचे और मजार पर पहुंचने के बाद मजार कमेटी के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पगड़ी पोशी की और उसके बाद जो तमाम विधि विधान होता है चादर पोशी का, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सर पर चादर लेकर मजार शरीफ में पहुंचे और मजार में चादर पोशी के बाद राज्य के खुशहाली अमन चैन की दुआ मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार रसलदार बाबा के मजार पर नहीं पहुंचे हैं। वह हर साल परंपरा को निभाते हुए रसलदार बाबा के मजार पर उर्स मेला में पहुंचकर चादर पोशी करते हैं और राज्य की खुशहाली की मनोकामना करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बात कर रहे थे पत्रकारों से तो कहा कि वह हर बार मजार पर आते हैं और इस बार भी वह उर्स के मौके पर यहाँ पहुंचे हैं। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। श्रद्धा है, आस्था है, हम लोग तो पहली बार नहीं, कई एक बार आ चुके हैं। आज की इस मौसम पर राजवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राजवासी तो सीधे तौर पर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी रांची में कितने लोग रसलदार बाबा को चाहने वाले हैं। उर्स के मौके पर मजार शरीफ और आसपास मैदान में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। हजारों लोग हर दिन सुबह से लेकर रात तक मजार शरीफ में पहुंचते हैं और फातिहा करते हैं। फातिहा के बाद वहां की सिरनी को लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं और एक जो मिन्नतें हैं, मुराद हैं, दुआ है, वो रसलदार बाबा से करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।